इस समय हमारी मौजूदगी है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफार्म नंबर 8 से हमारी 04218 नंबर की ट्रेन लखनऊ वाराणसी समर स्पेशल, इसका डिपार्चर हो रहा है। बगल में हमारी 04204 नंबर की ट्रेन जो कि लखनऊ से अयोध्या कैंट जंक्शन के बीच में मेमो स्पेशल ट्रेन चलती है, वो खड़ी हुई है और इसका यहाँ से डिपार्चर होता है 5:25 पर। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:05 और लगभग 35 के विलंब से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है लखनऊ चारबाग के प्लेटफार्म नंबर 8 से। आज की अपडेट हम देने जा रहे हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर दिलकुशा केबिन तक, जो हमारी तीसरी एवं चौथी रेल लाइन का काम चल रहा है, उस पर हम आपको आज ताज़ा अपडेट देंगे और वहाँ दिखाएंगे कि वहाँ पर अभी कार्यों की क्या प्रगति हुई है। काफ़ी दिनों पहले हमने इसकी अपडेट दी थी, फिलहाल आज की अपडेट में हम आपको एक एक चीज़ बारीक से दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि यहाँ पर ट्रैक जो डाला जाएगा वो किस साइड में डाला जाएगा और कब तक यहाँ पर कार्य संपन्न होने की संभावना है, इसकी भी हम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिनको भी प्रोजेक्ट से जुड़ी अपडेट देनी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। तो फिलहाल हमारी ट्रेन लखनऊ चारबाग के यार्ड में पहुँच चुकी है और सुनहली शाम है। सामने की तरफ देखिए सूरज ढल रहा है, ये हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी मुरादाबाद की दिशा, जिधर सूरज अस्त हो रहा है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन अब आगे दिलकुशा की तरफ बढ़ रही है, प्लेटफार्म नंबर 8 से इसका डिपार्चर हुआ है और अभी ये धीरे धीरे मेन लाइन पर जा रही है। नीचे ये जो अंडरपास आप देख रहे हैं ये कैंटोनमेंट को जोड़ता है लखनऊ से, और यहाँ से अब हमारी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है। काफ़ी लंबा यार्ड है लखनऊ चारबाग का, मानकर चलिए आप कि 2 से 3 किलोमीटर का यार्ड है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का। और अब हमारी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है, सामने से हमारी वाराणसी से जम्मू तवी के बीच चलने वाली बेगमपुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसका अराइवल हो रहा है और अभी ये ICF के पुराने कोचेस के साथ चल रही है, लेकिन जल्द ही इसको भी LHB कोच मिलने वाले हैं। तो जब इसको LHB कोच देने की घोषणा होगी तो हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से। फिलहाल हमारी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि 15 डिब्बों के साथ ये हमारी ट्रेन चलती है लखनऊ से वाराणसी और वाराणसी से लखनऊ के बीच में। समर स्पेशल ट्रेन के रूप में इसका संचालन शुरू हुआ था, लेकिन हाईएस्ट डिमांड होने के कारण इस ट्रेन का संचालन लगातार बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद है कि इसको जल्द ही परमानेंट कर दिया जाएगा और इसको एक रेगुलर ट्रेन नंबर भी जारी किया जाएगा, जैसा कि बहुत समय पहले सुनने में आया था कि इसको वाराणसी से लखनऊ के बीच में LHB कोच से संचालित किया जाएगा इंटरसिटी के रूप में। फिलहाल अभी ये समर स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही है और इसके बहुत ही कम स्टॉपेज दिए गए हैं, जैसा कि लखनऊ से चलने के बाद यह ट्रेन बाराबंकी, दरियाबाद, रुदौली, अयोध्या धाम जंक्शन, शाहगंज जंक्शन, अकबरपुर जंक्शन, जौनपुर जंक्शन, बाबतपुर, इन स्टेशनों पर इनका स्टॉपेज दिया गया है। यहाँ से देखिए तीसरी एवं चौथी लाइन का अपडेट, ये जो बगल आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ पर हमारा तीसरा ट्रैक पड़ेगा और जो हमारा चौथा ट्रैक आएगा वो बाएं साइड पर आएगा। फिलहाल बारिश का मौसम चल रहा है इस समय तो कार्य थोड़ा सुस्त है, लेकिन आगे कार्यों की क्या स्थिति है उसको हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए सीमेंट के छोटे छोटे पिलर्स लगाए गए हैं और इससे बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन कार्य रुकने की वजह से ये यहाँ पर जो सुरक्षा जाली लगाई थी वो टूट चुकी है, तो फिर से अभी इसका बंदोबस्त किया जाएगा। ये हमारी सदर बाज़ार की जो लेवल क्रॉसिंग थी पीछे आपने देखा, उसके आगे यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर दोनों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी
तो जो आबादी आपको ट्रैक के किनारे नजर आ रही है, इनका आवागमन ट्रैक पर बंद कर दिया जाएगा, जिससे ट्रेनें निर्बाध तरीके से चल सकेंगी। फिलहाल बगल में आप देखिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई हैं। यहाँ पर रेल बेड का कार्य शुरू कर दिया गया है, फिर से मशीनें यहाँ पर आ चुकी हैं और रेल बेड की सफाई की जा रही है। और जो बड़ी बाधा थी यहाँ पर आगे की तरफ, हम अभी आपको दिखाएंगे रोड ओवर ब्रिज का, उसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। फिलहाल यहाँ पर अभी कार्य शुरू नहीं हुए हैं और यहाँ पर जो आपको मिट्टी का ढेर नज़र आ रहा है, इसकी खुदाई होगी जेसीबी के माध्यम से। तो अब बारिश का मौसम धीरे धीरे समाप्त होने के बाद यहाँ पर कार्यों में तेज़ी आएगी और ये ओवरब्रिज तोड़ा जाएगा। इसके जस्ट बगल में नया ओवरब्रिज बना लिया गया है। इसके आगे देखिए, यहाँ पर बाउंड्री वाल का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए, जो रेल बेड के लिए मिट्टी खुदाई का काम हुआ था, वहाँ पर अब बारिश की वजह से ढेर सारा पानी जमा हो गया है। फिलहाल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लखनऊ चारबाग से लेकर दिलकुशा केबिन तक दो ट्रैक बढ़ाए जाएंगे, एक दाहिनी दिशा में एक बाएं दिशा में। वहीं दिलकुशा केबिन से लेकर उत्तरेठिया जंक्शन तक नंबर ऑफ ट्रैक 3 किया जाएगा। अभी वर्तमान समय में वहां पर डबल लाइन है, लेकिन वहां पर भी एक नया ट्रैक डाला जाएगा दाहिने साइड पर। और वहाँ उत्तरेठिया जंक्शन से लेकर दिलकुशा तक 3 ट्रैक, दिलकुशा से लेकर चारबाग तक 4 ट्रैक हो जाएंगे। और जब यहाँ ट्रैक की संख्या बढ़ जाएगी तो जो ट्रेनें हमारी वहाँ आउटर पर खड़ी रहती हैं आधे घंटे से ज़्यादा, कभी कभी घंटों तक खड़ी रहती हैं, तो वो समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोड बढ़ता जा रहा है और लगभग 4 मेन रूट की ट्रेनें यहाँ पर आकर मिलती हैं, जैसा कि सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, और इसके बाद हमारी अयोध्या और गोरखपुर रोड की ट्रेनें दिलकुशा के दिन पर आकर मिल जाती हैं। तो यहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। बगल में देखिए आप, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन यहाँ पर जाली सारी उखड़ चुकी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम रुका पड़ा हुआ है। ये लेवल क्रॉसिंग आ गई जो यहाँ कैंट को जाती है, और यहीं से हमारे उत्तरेठिया जंक्शन को ट्रैक अलग हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, जो दिलकुशा केबिन से उत्तरेठिया जंक्शन तक तीसरी लाइन डालना है, उसके लिए यहाँ पर कार्य आगे की तरफ शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से मटेरियल को ले जाया जा रहा है, और ये जो आप दाहिने साइड ट्रैक देख रहे हैं, ये चला जाता है उत्तरेठिया जंक्शन, और उत्तरेठिया जंक्शन से फिर ट्रैक दो दिशाओं में डिवाइड हो जाता है। एक सुल्तानपुर की तरफ चला जाता है और दूसरा ट्रैक चला जाता है रायबरेली, प्रतापगढ़ की दिशा में। फिलहाल हमारी ट्रेन बढ़ रही है अयोध्या की दिशा में, और यहाँ पर ये जो हमारी ट्रेन जिस ट्रैक पर चल रही है, ये नए ब्रिज से होकर गुजरेगी, क्योंकि जो पुराना वाला ब्रिज था उसको तोड़ दिया गया है, और नए ब्रिज से हमारी जो ट्रेन है वो आगे की तरफ बढ़ेगी बाराबंकी अयोध्या की दिशा में। पुराना ब्रिज की क्या कंडीशन है उसको भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे की तरफ। और जैसा कि अभी मंदौर से लेकर बाराबंकी तक भी तीसरी एवं चौथी रेल लाइन का कार्य तेज़ी से चल रहा है, तो वहां पर कार्य काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और वहां पर अब बैलास्ट बिछाने का काम चल रहा है। तो इसके बाद हम अगले पार्ट में हम आपको मंदौर से लेकर सफ़ेदाबाद तक ताज़ा अपडेट दिखाएँगे। फिलहाल हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है गोमती नदी पर, और ये जो बगल में आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पहले हमारा दोनों ट्रैक जाता था लखनऊ चारबाग की दिशा में। तो काफ़ी पुराना ब्रिज होने की वजह से नया ब्रिज बनाया गया उसी के जस्ट बगल में, और उसके बाद उसको तोड़ दिया गया। पिलर्स सभी बचे हुए हैं, उसको भी बाद में तोड़ दिया जाएगा। गोमती नदी का बोर्ड आप देख सकते हैं। और हमारी ट्रेन अब लंबा कर्व लेते हुए बाराबंकी की दिशा में बढ़ रही है। तो आज की अपडेट आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल हम आपको मंदौर से लेकर सफ़ेदाबाद के बीच में जो तीसरी चौथी लाइन का काम चल रहा है उसकी ताज़ा अपडेट देंगे। फिलहाल आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
जिनको भी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी चाहिए उनको ये जानकारी अवश्य मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।